वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की शहरियों की जानिब से हुकूमती अदायगियों का निज़ाम आसान बनाने के लिए मौसर इकदामात की हिदायत। 6 माह में नेशनल बैंक के जरिए तमाम हुकूमती अदायगियां ऑनलाइन हो सकेंगी। ये इकदाम कैशलेस मईशत की जानिब अहम पेशरफ्त होगा। इमरान खान बताएं 2014 में धरना किसके कहने पर दिया, 458 कनाल जमीन अपनी अहलिया के नाम पर ली, अवाम का 50 अरब डबोकर 5 अरब के असासे बनाने का जवाब दें, इख्तदार से अलहदगी असल मसला है, दीवार से लगाने की बात करने वाला असल में NRO मांग रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान खान ने इक़्तदार बचाने के लिए कौमी सलामती के इदारों के साथ खिलवाड़ किया। इमरान खान को बातें बताना तब याद आता है जब बुशरा बीबी और पराग गोगी की करप्शन सामने आई है। आटा चीनी और बिजली चोर को अपनी करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब। मनासिक हज का आगाज कल से होगा। फर्जंदान इस्लाम फरीजा हज की अदायगी के लिए कल से मिना में कायम आरजी खेमा बस्ती में जमा होंगे। वकूफ़ अराफात इतवार 10 जुलाई को होगा। कोरोना वबा के बाद पहली बार 10 लाख मुसलमान इस साल हज अकबर की सआदत हासिल करेंगे। और मुल्क भर में मानसून का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान बलोचिस्तान, सिंध, कश्मीर, इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। चित्राल में ग्लेशियर्स पिघलने से पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियोज से न्यूज़ शो @6 के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और सलमा कासर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इनके बारे में तफसील से बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नज़रअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज्जम और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सब को चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में सबसे पहले बात कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शहरियों की जानिब से हुकूमत की अदायगियों का निज़ाम आसान और मौसर बनाने के लिए इकदामात करने की हिदायत की है ताकि शहरी घर बैठे ये अदायगियां ऑनलाइन सिस्टम के जरिए आसानी के साथ कर सकें। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट के सरबरा सलमान सूफी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए शहरियों की तरफ से हुकूमत की ज़्यादातर अदायगियाँ जल्द ही बगैर किसी इजाफी चार्जेज के ऑनलाइन अदा की जा सकेंगी। इसका आगाज ईद उल अज़हा के फौरी बाद कर दिया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि अगले 6 माह के अंदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए तमाम तर हुकूमती अदायगियां ऑनलाइन तरीक़ेकार से हो सकें। सलमान सूफी ने कहा कि इस सिलसिले में सदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को जरूरी हिदायत दे दी गई हैं। उन्होंने कहा कि
कैशलेस मईशत के लिए मजबूत ऑनलाइन अदायगी के निजाम की जरूरत होती है, जिसमें शहरी पर कम से कम या कोई भी चार्ज नहीं होता। सरबरा स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट का कहना था कि मौजूदा हुकूमत का यह इकदाम कैशलेस मईशत की जानिब एक मुस्बत पेशरफ्त है। मनाज़िर वफ़ाक़ी वज़ीर दाखला राना सनाउल्ला कहते हैं कि इमरान खान को हौसला करना चाहिए, उन्होंने हम पर झूठे केस किए, अब सच्चे केसेस का सामना करें। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्ला ने कहा कि इमरान खान ने 458 कनाल जमीन अपने अहलिया के नाम पर ली। बनी गाला से हीरोइन का बैग शहजाद अकबर के जरिए पहले IG इस्लामाबाद को दिया गया। इनकार पर ANF के जरिए मेरी गाड़ी में हीरोइन रखवाई गई। इस बारे में तफसील जान लेते हैं मरियम मलिक की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखला राना सनाउल्ला ने कहा कि इमरान खान ने कल कहा हमें हरासा किया जा रहा है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है और कहा कि ये सिलसिला बंद ना हुआ तो सब कुछ बता दूंगा। उन्होंने सवाल किया कि आपको जेल में बंद कर दिया या आपकी अदवायात बंद कर दी गई है, कि आपको क्या तंगी हो रही है, दी चौक में बैठने के लिए इजाजत नहीं दी, ये परेशानी है। अपने मुखालफीन के खिलाफ जो है ये सारा कुछ करते रहे हैं तो आपके साथ तो अभी इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, तो आप कह रहे हैं कि जी मैं हरासा हो रहा हूँ, मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। वफाकी वजीर ने कहा कि आप मुखालिफीन के खिलाफ कार्रवाइयां करते रहे हैं, आपने 240 केनाल जमीन फरक के नाम पर हासिल की, आपको तमाम सवालात का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो फरागोगी ने मुल्क में लूट मार की उस पर तो अभी सिर्फ इंक्वायरी हो रही है। 50 अरब कौम का गबन आपने करवाया और 5 अरब रुपए की आपने एसेट जो है वो हासिल किए, आपने इसका जवाब नहीं दिया, आपने ये नहीं आपने बताया, बाकी आप सब कुछ बताने को तैयार। राना सनाउल्ला ने कहा कि बनीगाला से हेरोइन का बैग शहजाद अकबर के जरिए पहले IG इस्लामाबाद को दिया गया। इनकार पर ANF के जरिए मेरी गाड़ी में हेरोइन रखवाई गई, मेरे खिलाफ केस इमरान खान ने बनाया। ये भी बताए कि वो 15 करोड़ हेरोइन वो किसकी है। मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी तो उसका भी 100 मोटो नोटिस लिए कि वो बेंच जो है वो इंक्वायरी कर ले, अगर तो वो मेरी हो तो बिल्कुल मुझे कैपिटल पनिशमेंट दे। इमरान खान पूरी कौम के लिए जाली बदमाश बने हुए थे। उस दिन रात को 2 से 2500 शरपसंदों को डी चौक पर कब्जा करने के लिए बुलाया गया था। मरियम मलिक, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर इत्तला'आत व नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान ने इक्तदार बचाने के लिए कौमी सलामती के इदारों के साथ खिलवाड़ किया, अपने दौर में अवाम से झूठे वादे किए और 4 साल तक मुल्क के हर शोबे में डाके डाले गए। इमरान खान कौम को बताएं कि वो किस तरह 4 साल से ऐसे इंतकाम लेते रहे। मजीद तफसील जानिए ज़ीशान अली भट्टी से। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात मरियम औरंगजेब ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान ने अपने दौर में सियासी मुहालफीन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए। आज महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान है, अवाम को बताना पड़ेगा कि आज मुल्क में लोड शेडिंग का जिम्मेदार इमरान खान है। आज बताना पड़ेगा कि मुल्क के अंदर जो खारजा पॉलिसी की तबाही है उसका जिम्मेदार इमरान खान है, और सियासी मुखालफीन के खिलाफ सियासी इंतकाम 4 साल जो उतारा उसका जिम्मेदार इमरान खान है। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हर इदारे में करप्शन की है। इमरान खान को बातें बताना तब याद आता है जब बुशरा बीबी और फराह गोगी की करप्शन सामने आई। आपको बताना तब याद आता है जब पाकिस्तान की अवाम के पास आपकी करप्शन के सबूत आते हैं या आपके खिलाफ इस ऑडियो में लिखा है कि जब वो फराह गोगी मेरी बच्ची के बारे में कोई बात करें तो तुम उसको खत के साथ लिंक करो, तुम उसको गद्दारी के साथ लिंक करो, अदारों के खिलाफ मुहिम चलाने की हदायत देती हैं बुशरा बीबी। जब वो ऑडियो आती है उसके बाद वही ऑडियो जिसको आप कहते हैं कि बिल्कुल रिकॉर्ड होनी चाहिए, मैं समझता हूं कि वजीर आजम की प्रोटेक्शन के लिए ये रिकॉर्डिंग्स होती हैं। मैकेविलियन एटीट्यूड, मैकेविलियन माइंडसेट रखता है इमरान खान कि जिस वक्त अपनी करप्शन अपने बारे में सबूत सामने आए तो लोगों के ऊपर गद्दारी के मुकदमे बनाओ, गद्दारी के साथ लिंक करो, ये बुशरा बीबी कहती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात मरियम औरंगजेब का कहना था कि आज अवाम इमरान खान से सवाल कर रही है कि क्यों आटा चीनी और बिजली चोरी की गई। इमरान खान को अपनी करप्शन का जवाब देना पड़ेगा। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में डाकी और चोरियों की तहकीकात का अमल शुरू हो चुका है। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
और नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली की फराहमी के ऐलान को अवाम में बहुत पज़ीराई मिली है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस ऐलान को खुशाइन करार देते हुए कहा कि गरीब तबके को मुश्किल माशी हालात के असरात से बचाना अहम तरजीह रही है। माशी हालात बेहतर होते ही अवाम को मजीद सहूलियात भी फराहम करेंगे। इस बारे में वसीम सज्जाद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिज़ा कीजिए। पंजाब भर में औसतन बिजली के 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फीन के लिए बड़ा रिलीफ। पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज ने माशरे के सबसे ज्यादा मुस्तहिक तबके के लिए बिजली का बोझ खत्म करने का फैसला किया और उनके लिए 100 अरब से ज्यादा मुख्तस किए हैं। अवाम ने हुकूमत पंजाब के इस अवाम दोस्त फैसले को सराहा है और माशरे के इस मुस्तहिक तबके के लिए इसे हकीकी रिलीफ पैकेज करार दिया है। 72 सालों में ऐसा फैसला किसी पंजाब गवर्नमेंट ने ना आज तक किया ना कभी हुआ है। आप देखें कि ये जो जिनके घर में एक पखा और एक टीवी, एक फ्रिज और एक दो बल्ब जो यूज़ करते हैं, जो गरीब लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको रिलीफ दिया है, उनको रिलीफ मिलना चाहिए। हमारा तलक भी पसमानदा इलाके से है और वहाँ पर तो बिल्कुल जीरो पोजिशन है लोगों की, और वो जो 100 यूनिट का रिलीफ मिला है उसमें काफ़ी लोग ज़िंदा हो जाएंगे, क्योंकि वो उनके मकान भी किराए के हैं और वो दिहाड़ीदार लोग हैं और बहुत ही मुश्किल है। इससे शानदार काम हुआ है। 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते थे, उनका बिजली का बिल फ्री हो गया और आज तक पाकिस्तान में ऐसा 1947 से लेकर आज तक ऐसा नहीं हुआ। टैक्स तो बहुत से लगते हैं लेकिन गरीब घरानों के लिए ऐसा काम, मैं कहता हूँ शाबाश है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इन्होंने ये कदम उठाया। पंजाब हुकूमत के इस इकदाम से सूबे भर में 90 लाख घराने बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। बहुत ज़रूरी थी, इस वक्त महंगाई बहुत हो चुकी हुई है, इन्फ्लेशन के मारे हैं और बिजली के रेट्स भी बहुत बढ़ गए हैं, और हमारे यहाँ जो 100 यूनिट तक जो इस्तेमाल करते हैं वो बहुत बुरे तरीके से उन पर असर है इन्फ्लेशन का। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है और अच्छा कदम है। हुकूमत ने गरीब घरानों को बिजली के बिलों से हमेशा के लिए आज़ादी दिलाने के लिए उन्हें मरहला वार सोलर एनर्जी पर भी मुंतकिल करने का फैसला किया है, जिससे एक तरफ से इस तबके पर मौशी बोझ में कमी होगी तो दूसरी तरफ मुल्क में बिजली की तलब में खातिरखा कमी होगी। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, मनासिक हज का आगाज कल से होगा। आज़मीन ने हज कल फजर के बाद मिना जाना शुरू हो जाएंगे। आज़मीन के लिए जोहर से पहले मिना पहुंचना जरूरी है। जी नाज़रीन, यहां पर एक दिन क़याम के बाद हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। मैदान अरफात में नमाज जोहर और नमाज असर इकट्ठी अदा करेंगे। आज़मीन नमाज मगरब और अशा मुज़दलफा में अदा करेंगे। मुज़दलफा में रात खुले आसमान तले गुजारने के बाद हाजी नमाज फजर के बाद मिना वापस अपने खेमों में चले जाएंगे, जहां पहले दिन शैतान को कनकरियां मारने के बाद कुर्बानी करके बाल मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। फिर इसी तरह दूसरे और तीसरे दिन भी लगातार शैतान को कनकरियां मारने का हुक्म है। हज के बाद मिना में 3 दिन क़याम के दौरान वो किसी भी वक्त बैतुल्ला शरीफ जाकर तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं। दुनिया भर से सऊदी अरब में आज़मीन हज की आमद मुकम्मल हो चुकी है। कोरोना वायरस के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन हज ये सआदत हासिल करेंगे, जिनमें 8.5 लाख गैर मुल्की शामिल हैं। सऊदी अरब ने 45 साल से कम उम्र की ख़वातीन को भी बग़ैर महरम हज की इजाज़त दे दी है। इस साल मैदान अरफात मस्जिद निमरा से हज का खुतबा राबता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल और दानिश्वर शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अलीसा देंगे। ऐवान शाही ने हज का खुतबा देने के लिए राबता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल के नाम की मंजूरी दे दी है। जनाज़िन, फरीज़ा हज की अहमियत क्या है, इसका असल में बुनियादी तौर पर फ़लसफ़ा क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर नहायत मोस्ट कंसर्न्ड एंड कॉम्पिटेंट पर्सन मौजूद हैं, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन मोहतरम किबला अयाज़ साहब। इनसे इसी हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम किबला अयाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहतरम, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमें वक्त देने का, हमारे इस शो का हिस्सा बनने का। सबसे पहले बुनियादी सवाल ही, हज रुकने आज़म है, बुनियादी अरकान में शामिल है इस्लाम के, क्या अहमियत है, फजीलत क्या है इसकी? हर साहिब इस्तात पर फ़र्ज किया गया है, ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज किया गया है, सर क्या फ़लसफ़ा है इसके पीछे? बहुत अच्छा सवाल आपने पेश किया। देखें, हमारे यहाँ ईदैन हैं, दो ईदें हैं। ईदुल फित्र, ये तो रमज़ान शरीफ के बाद जो कि मुकद्दस तरीन महीना है, उसकी तकमील के बाद खुशी का एक यूं समझें कि एक मौका है, और जो ईदुल अज़हा है, जिस तरह इसके नाम से जाहिर है,
कि जिस तरीके से हजरत इस्माईल अलैह सलाम ने अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश किया और हजरत इब्राहिम अलैह सलाम ने हुक्म खुदावंदी में कि जिस तरीके से ख्वाब में आपको देखा, तो अजीज तरीन जो इंसान का हो सकता है बेटा उसकी कुर्बानी के लिए आपको तैयार करना, तो एक तो मैसेज इसका यह है कि हम सरेंडर करें अल्लाह ताला के अहकाम के सामने और अल्लाह ताला जो है वो बाला तरीन जात उसको तसव्वुर करके अपनी जिंदगी पूरी अल्लाह ताला की तालीमात के ऐन मुताबिक गुजारने का आहद करें, तो एक तो ये हवाला है। जो दूसरी इसके हवाले से बात है वो है कि ये मुसलमानों की एक ग्लोबल नुमाइंदगी और ग्लोबल इज्तिमाईयत का मजहर एक मौका है कि जिसमें पूरी दुनिया से मुसलमान आ जाते हैं और खाना काबा के इर्द गिर्द तवाफ करते हैं और कुर्बानी देते हैं, तो ये वो तसव्वुर है कि जिसकी वजह से हज की अहमियत जो है वो इस्लामी रिवायत में बहुत ही सेंट्रल, बहुत ही मरकजी है। सही डॉक्टर साहब, कहा जाता है इस्लाम का ये जो पांचवा रुकन है इसके बारे में कि हर उस मुसलमान पर फर्ज है जिसके पास ज़ादे राह और ज़ादे अमल दोनों हों, तो ज़ादे अमल क्या है, इस पर रोशनी डालिएगा। यही है कि एक तो यह है कि चूंकि ये बयक वक्त माली इबादत है और बयक वक्त ये माली के साथ साथ बदनी इबादत भी है, क्योंकि मनासे के हज और फिर पूरा सफर, तो इसका मतलब ये है कि माली लिहाज से भी वो इस काबिल हो कि वो हज के अखराजात बर्दाश्त करे और बदनी लिहाज से भी वो इस काबिल हो कि वो मनासिक को पूरी तनदही के साथ एहतमाम के साथ अदा कर सके, तो ये दोनों पहलू जो हैं इनकी जरूरत है और ये लाजिम है। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा रहनुमाई भी फरमा दीजिएगा, एक आम हलकों में ये बात की जाती है कि अगर अगली नमाज पढ़ने की आपको तौफीक मिल गई है तो समझ लिया जाए कि पिछली नमाज अल्लाह के हुजूर कबूलियत पा चुकी है और इस तरह ये सिलसिला आगे जंजीर की शक्ल में जारी रहता है। सर, हमने देखा है यहाँ पर हाजी जो है वो पै दर पै हज करते हैं, एक हज फर्ज है, वो कोई 10-10, 5-5, 8-8 हज उन्होंने किए होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में उस तरह से हज करने का जो असर है, वहां पर जाना, उन जगहों का देखना, अपनी आंखों से दीदार करना, यानी वो असर उनके दिलों पर और उनकी रूहों पर, उनकी जिंदगी पर नहीं आ पाता, ये क्या हो गया है आजकल? बिल्कुल ये सही है कि अब हमारी जिंदगियों में एक इरोजन, एक यूं समझें कि डिक्लाइन, जवाल की कैफियत तो है। यानी हज इतना बड़ा एक अमल है कि जब आप खुदा के हुजूर खड़े हो जाएं और इसके बाद आपको ये भी मौका मिलता है कि आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वहां पे आप पहुंच जाएं और उनके सामने खड़े हों, जो कि मरकज इंसानियत है और उन्होंने इंसानियत की इस्लाह के लिए इतना बड़ा दर्स दिया है। इसके बावजूद अगर अमली जिंदगी में इनकलाब ना आए, अमली जिंदगी में तब्दीली ना आए, तो फिर यकीनन ये हज जो है ये तो महज एक ऐसी मशक है, एक ऐसा अमल है कि जिसमें आपने पैसे भी लगाए, जिसमें आपने आपको तकाया भी। यकीनन हज का फलसफा ये है कि जब आप इस किस्म के मुकामात देखें और फिर वो तारीखियत, मसलन सफा और मरवा के दरमियान मैदान अराफात पर आना, कुर्बानी करना, ये सारी चीजें अगर आपकी जिंदगी में तगैर और इनकलाब नहीं लाती तो फिर ये मश्क जो है ये ला हासिल है। इसका फलसफा ये है कि इसके आने के बाद मुसलमान जो है एक बदला हुआ और एक बेहतर मुसलमान बने। सही डॉक्टर साहब, एक बार हर मुसलमान की जिंदगी में हज फर्ज है, लेकिन जिस तरह मेरे साथी एंकर ने भी कहा कि लोग एक से ज्यादा मरतबा हज करते हैं, जो साहिब हैसियत साहिब सरवत लोग हैं 10 बार 5 बार, तो पहली बार जब फर्ज अदा हो जाता है क्या बाकी जितनी बार भी हज करें वो नवाफिल में काउंट किया जाता है उसको? बिल्कुल, वो तो नफली हज है और नफली हज जो है साहिब इस्तेताअत लोग अगर करें, लेकिन आजकल की सूरत हाल में कि जिस तरीके से एक मुआशी मुश्किल है और जरूरत इस बात की है कि हम यहाँ पे मुआशी मुश्किलात का शिकार जो लोग हों उनको ज्यादा मदद करें, तो मैं तो ये समझता हूँ और उलमाए किराम से भी हमने यही सुना है कि इस सूरत हाल में नफली हज के बजाय अगर हम लोगों के साथ ताउन करें
उनके معاشی مشکل میں مددگار بنے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا یہ دو چیزیں شیئر کر دیجئے گا، رہنمائی فرمائیے گا۔ ایک تو حج بدل جو کہا جاتا ہے کہ جو لوگ، جو ہمارے پیارے ہمیں چھوڑ گئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کا بھی، یعنی اگر کسی نے اپنا حج جو پہلا حج فرض ہے وہ کر لیا ہے تو ان کی بھی، ان کے نام کا حج اگر کر لیا جائے تو ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ ایک تو یہ ذرا شیئر کیجئے گا کہ کیا واقعی ایسا ہے، کرنا چاہیے، کرنے کا واقعی ثواب ملتا ہے؟ اور دوسرا، جیسے آپ نے بھی کہا کہ حج کر کے آنے کے بعد انسان کی زندگی میں تغیر آنا چاہیے، کچھ تبدیلی آنی چاہیے، تو مقبول حج کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیسے پتا چل سکتا ہے؟ کیا وہ یہی پیمانہ ہے مقبول حج کا کہ اگر میری زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے اور میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا شروع ہو گیا ہوں نیتن، تو حج قبول ہو گیا ہے؟ یقیناً اب حج بدل کی تو فقہا نے طریقے بتائے ہیں، اور یہ ہے کہ اگر مثلا ایک بندے پہ حج فرض ہے لیکن کسی وجہ سے وہ نہ جا سکا تو اس کے لیے حج بدل کی فقہا نے ترتیب بتائی ہے۔ جہاں تک حج مقبول کا تعلق ہے تو اس میں تو یہی ہے کہ جو مناسک ہیں ان کو آپ پوری تندہی اور طریقے سے پورا کریں، اور اس کے بعد اس کا جو اسپرٹ ہے، اس کی جو روح ہے، اس روح کو اپنے اندر سمو دیں۔ اور وہ سمونا جو ہے وہ یہ ہے کہ حج کے دوران، بلکہ حج کے جاتے ہی، آپ کے طرز عمل میں، آپ کے رویے میں، آپ کی سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی آئے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ ایک انسلاک کی طرف آپ کا رجوع ہو، اور واپسی پر بھی آپ انہی تعلیمات پر عمل کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا درس دیا ہے۔ صحیح جی۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا، ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ جی ناظرین، جب تک حج کا اثر جو ہے وہ ہماری اپنی زندگیوں پر، ہماری روزمرہ زندگیوں پر نہیں پڑتا، اس وقت تک جو ہے وہ حج کا اصل فلسفہ اور حج کا اصل اثر جو ہے وہ جو ہے وہ بالکل پیدا نہیں ہوگا۔ اور اسی سلسلے میں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب بھی فرما رہے تھے کہ مقبول حج، سلمہ جیسے ہم کہتے ہیں، تو مقبول حج کی پہلی نشانی جو ہے، پہلی اور پائیدار نشانی، وہ یہی ہے کہ جناب جیسے ہی آپ حج کے لیے اپنا نیت باندھتے ہیں، اس وقت سے آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل درآمد شروع کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت، آپ کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ انہی کی ایک بات جو ہے وہ آگے دہرا دوں۔ جو چار سال ملک کے اندر اپنی نالائکی، اپنی نااہلی اور اپنی چوری کے ذریعے ڈاکے ڈالتی رہی، شعبے تباہ کرتی رہی، معیشت تباہ کرتی رہی، عوام کا روزگار تباہ کرتی رہی، عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہ دے سکی، 1 کروڑ نوکری، 50 لاکھ گھر عوام کے خواب بنا کر بھاگ گئے، 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کا خواب دے کر بھاگ گئے، خود ڈاکے ڈال گئے۔ تاریخی کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں چوری اور ڈاکے کی داستان نہ ہو، زمینوں کے قبضوں کی داستانیں نہ ہوں، ہیرے جواہرات کی پریکیومنٹ کی داستانیں نہ ہوں، یہاں تک کہ تانیہ افسروں کی تقرری جو تھی، ٹرانسفریں جو تھیں، وہ بھی دام لگا کر کی جاتی تھی۔ اور وہی وزیر اعظم جو 4 سال ملک پہ مسلط رہا، جو کہتا تھا کہ میں ڈالر کی ریٹ دیکھتا ہوں ٹی وی سے، جو کہتا تھا میں آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ دیکھنے نہیں آیا، جو کہتا تھا میرا کام مہنگائی کم کرنا نہیں ہے، اور کیسے بنا دیں 1 کروڑ گھر، کیسے دے دوں 1 کروڑ نوکریاں اور بنا دوں 50 لاکھ گھر، یہ باتیں کرتے تھے۔ اور اب وہی شخص مہنگائی پہ لیکچر دیتا ہے، احتساب پہ لیکچر دیتا ہے، 4 سال قانون کو استعمال کر کے سیاسی انتقام لینے والا شخص آج بھی جھوٹے چور کے الزامات لگاتا ہے، ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، ایک ماسٹر مائنڈ کی ہدایت پر جو بشرا بی بی ہیں بیرونی ملک سازش کی بیانیے گھڑتا ہے، ایک میکویلین ایٹیٹیوڈ ہے کہ کوئی میرے پہ الزام لگائے، کوئی میرے ثبوت دے، کوئی میری کرپشن کی بات کرے تو غداری کے ساتھ جوڑ دو۔ پہلے میکیویلین ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ زبانیں بند کر دو، جیلوں میں ڈال دو، سزائے موت کی چکیوں میں ڈال دو، بہنوں اور بیٹیوں کو ہتھکڑیاں لگا دو۔
वही शख्स, वही माइंडसेट, वही रवैया आज भी जारी है। पंजाब हुकूमत ने अपने बजट के अंदर, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि पंजाब हुकूमत के बजट के अंदर रोशन घराना प्रोग्राम एक स्कीम है जो हुकूमत पंजाब ने जारी की। तमाम तफसील जो फाइनेंस रिलेटेड थी वो उस बजट का हिस्सा है, 2022 के बजट का पंजाब हुकूमत का, और वो तमाम तफसील जो 100 यूनिट के ऊपर बिजली जो है जो इस्तेमाल करते हैं उनको बिजली की कीमत से वो अस्तस्ना होंगे, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बिजली का बिल उनका नहीं आएगा जो 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं लोग। और उस मद के अंदर ये मैं बताती चलूँ कि 100 बिलियन का टोटल बजट है, नंबर ऑफ़ बेनिफिशरी 45 लाख लोग जो हैं वो गर्मियों में इससे फ़ायदा उठाएंगे, और लगभग 87 लाख लोग सर्दियों में इस स्कीम से, इस रिलीफ से फ़ायदा उठाएंगे। और इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट बात है कि 5,50,00,000 लोग इस रिलीफ की स्कीम में आते हैं, जो लोग 100 यूनिट बिजली तक इस्तेमाल करते हैं, जिनको पंजाब हुकूमत ने बजट में, ये याद रहे कि रोशन घराना स्कीम में बजट के अंदर ये तमाम जो स्कीम्स हैं वो मुतारिफ कराई थी। ये बजट डॉक्यूमेंट्स इस बात की गवाही देते हैं कि ये पंजाब हुकूमत ने 2022 के बजट में इंक्लूड करा दिया था और मुख्तस कर दिया गया था इसका बजट। तो ये बात अच्छा, अब इस ये रिलीफ जो है ये पंजाब के 5,50,00,000 लोगों को पंजाब हुकूमत ने दिया। वो हुकूमत जिनका, जिस कप्तान का वज़ीर आला वसीम अकरम प्लस, मैं वसीम अकरम साहब से माजरत ख्वाऊँ, वसीम अकरम प्लस जो हैं बुज़दार साहब, उनके अमाल आटा चोरी, चीनी चोरी, बिजली चोरी, गैस चोरी, तकरियाँ, डेवलपमेंट फंड चोरी, कोविड फंड चोरी, कोई ऐसा शोबा नहीं जिसमें उन्होंने डाका और चोरी ना डाला हो। और फरा गोगी साहिबा जो कि वज़ीरे आला पंजाब थीं, जो कि असल में फ्रंट मैन थीं बुशरा बीबी और इमरान खान की, जो वज़ीरे आला पंजाब के मनसब पर फाइज थीं, उन्होंने बुज़दार साहब के ज़रिए तमाम शोबों में डाके डाले, चोरियाँ की, अवाम का टैक्स पेयर मनी लूटा। ये वही लोग हैं जो अपने 4 साल में 1 रुपए का रिलीफ नहीं दे सके, जो बिजली की कीमत 11 से 22 रुपए यूनिट ले गए, फिर 24 रुपए यूनिट ले गए, जिन्होंने गैस की कीमत बढ़ा दी, चीनी की कीमत 52 रुपए से 120 रुपए कर दी, आटे की कीमत 35 रुपए से 100 रुपए किलो कर दी। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो दवाइयाँ चोरी कर गए। अब आपको पता है कि कैंसर की दवाइयाँ और दीगर जो इससे मुंसलिक दवाइयाँ वो भी इस बजट का हिस्सा हैं कि वो पंजाब के तमाम हस्पतालों में मुफ्त दी जा रही हैं दोबारा से, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे तो उनके दौर में ये दवाइयाँ मुफ्त थीं, और 4 साल लोग जितने लोगों की डेथ्स हुई उसका कौन जवाब देगा, जिनके पास पैसे नहीं थे कैंसर की दवाइयाँ ख़रीदने के लिए, डायबिटिक्स जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके पास दवाइयाँ और इंसुलिन लेने के पैसे नहीं थे, उनकी कीमतों में कैसे इजाफा किया। ये वो लोग हैं जो आज, जिन्होंने पंजाब की आवाम का खून चूसा, डाके डाले, चोरियाँ की, जिसके नतीजे में मनी गाला बना, जिसके नतीजे के अंदर ट्रेड ऑफ में ज़मीनों पर कब्ज़े हुए, हीरे जवाहरात खरीदे गए, कभी 3 कैरेट की बहस 5 कैरेट पे चली गई। और ये तो अभी वो चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, और फिर कहते हैं मैं बताऊंगा। आप बताएं कि 5,50,00,000 लोगों का रिलीफ इस वक्त छीना जा रहा है, और ये वो रिलीफ है जो ये दे नहीं सके आवाम को। अगर आज मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं जो इनके IMF के प्रोग्राम और दस्तखतों के साथ जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गए, जो मुश्किल फैसले आज हमें किए करने पड़ रहे हैं, उसके साथ साथ हम जो रिलीफ अवाम को दे रहे हैं ये वो रिलीफ अवाम से छीनना चाह रहे हैं। पंजाब के लोगों का खून चूस लिया, बजाय इसके
کہ جو پنجاب حکومت نے کیا ہے تم خیبر پختونخوا کے اندر متعارف کراؤ، تم کہو کہ باقی تمام صوبوں میں یہ کام ہونا چاہیے، اور آپ پنجاب کے لوگوں کا ریلیف چھین رہے ہیں اور کہتے ہیں الیکشن کیمپین، یہ کوئی ڈیولپمنٹ سکیم نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ریلیف سکیم جو کہ 2022 کے پنجاب کے بجٹ کا حصہ ہے، یہ فنڈ مختص ہو چکے ہیں، یہ ریلیف دیا جا چکا ہے، جس کا جو اطلاق ہے وہ جولائی میں ہوگا، اگست کے مہینے میں اس کی پیمنٹس ہوں گی۔ یہ کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ سکیم نہیں ہے، اور یہ کہہ دینا کہ یہ پٹیشن لے کر گئے ہیں، یہ عوام کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ خود جو ریلیف دے نہ سکے، جو پنجاب کے عوام کا خون چوستے رہے، بے روزگار کرتے رہے، وہ لوگ آج پٹیشن درخواست لے کر کیا جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کہ یہ ریلیف واپس لیا جائے۔ یہ ریلیف سے 5,50,00,000 عوام کو محروم کر دیا جائے، اس ریلیف سے 90,00,000 لوگ جو اس سے مستفید ہوں گے، 87,00,000 جو ایگزیکٹ بنتے ہیں، ان کو محروم کر دیا جائے۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ، یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کو یہ کہا جائے کہ اس سکیم کو نہ امپلیمنٹ کیا جائے اور یہ ریلیف عوام سے لے لیا جائے۔ یہ ہے وہ عوام دشمنی، یہ ہے وہ عوام دشمنی جو ایک میکیویلین مائنڈ سیٹ کا رویہ ہے کہ کوئی ریلیف نہ دو، نہ خود دے سکے، اور اگر دیے جا رہے ہیں اور یہ اخراجات پنجاب حکومت کے ہیں جس کے اندر سے یہ پیسے دے کر یہ ریلیف پنجاب کی عوام کو دیا گیا ہے، اور یہ تاثر کرنا کہ یہ الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہے، یہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ عوام کے ریلیف پہ بھی اپنی سیاست کرتے ہیں۔ وہ الیکشن کمیشن کے عملہ چور جو ہیں، جنہوں نے الیکشن کمیشن کا عملہ چوری کیا اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، ووٹ کے ڈبے چوری کرنا تو سنا تھا لیکن الیکشن کو جیتنے کے لیے گولیاں چلائیں، عملہ چوری کیا، وہ آج کیا کہہ رہا ہے کہ ہم سیاست کر رہے ہیں، ہم سیاست نہیں کر رہے، سیاست آپ کر رہے ہیں، عوام کے ریلیف پر سیاست کر رہے ہیں۔ جو عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے، عوام کو سستی بجلی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوام کو 100 یونٹ کی مفت بجلی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو مختص 2022 کے بجٹ ڈاکیومنٹ میں کر دیا گیا تھا، یہ کوئی ڈیولپمنٹ سکیم نہیں ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے کہ یہ جان بوجھ کر، ابھی تو یہ الیکشن کمیشن لے کر گئے ہیں نا یہ درخواست، یہ پٹیشن لے کر گئے ہیں، تو یہ بات پتہ ہونی چاہیے عوام کو کہ یہ کوئی ڈیولپمنٹ سکیم نہیں ہے، یہ پہلے سے طے شدہ بجٹ کا حصہ ہے، بجٹ میں اس کی جو ہیڈز ہیں، جو الاٹمنٹ ہے، ایلوکیشن آف فنڈز ہیں، وہ تمام مختص کر دیے گئے ہیں، اور یہ پہلے سے سکیم موجود ہے بجٹ کے اندر، یہ الیکشن کے لیے اناؤنسمنٹ نہیں ہے۔ ہم عوام سے دھوکہ نہیں کرتے، اگر مشکل فیصلے کرتے ہیں عوام کو بتاتے ہیں، ساتھ عوام کو ریلیف دیتے ہیں، اور یہ وہی مائنڈ سیٹ عمران خان کا، جو پٹیشن آج گئی ہے وہ پٹیشن مسلم لیگ نون کے خلاف یا پنجاب حکومت کے خلاف نہیں گئی، وہ پٹیشن عوام کے ریلیف کے خلاف گئی ہے۔ وہ پٹیشن اس لیے گئی ہے کہ عوام کو مفت بجلی 100 یونٹ استعمال کرنے والے غریب کو یہ ریلیف نہ دو، یہ اس غریب کے خلاف گئی ہے، اور یہ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی پورے پاکستان کے ساتھ ہوئی، پورے پاکستان کو مہنگا کیا، پورے پاکستان کو بھوکا کیا، پورے پاکستان کو غریب کیا، پورے پاکستان کو بے روزگار کیا، یہ اسی کا تسلسل ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پٹیشن جو ہے یہ عوام، غریب عوام کے خلاف اپیل دی گئی ہے الیکشن کمیشن میں، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ظاہر کرتا ہے، اور اسی لیے عوام ان کو ووٹ نہیں دیتی، ان جھوٹوں کو، نالائکوں کو، نااہلوں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، جو بے روپی ہیں، جو ہدایات جاری کرتے ہیں ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے کہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹو، عوام کو بھوکا کرتے ہیں، کارٹلز اور مافیا کی حکومت کو مسلط انہوں نے کیا عمران خان صاحب نے، اور اس کے بعد اپنے دستخطوں سے یہ ڈاکے ڈلوائے، یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے، یہ وہی تسلسل ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کو بتانا بڑا ضروری تھا، ایک بڑی واضح بات کہ یہ بجٹ ڈاکیومنٹ کا حصہ ہے،
फाइनेंस बिल का हिस्सा है, ये डेवलपमेंट स्कीम नहीं है, ये अवाम को रिलीफ है, जिस रिलीफ के खिलाफ उस 5,50,00,000 लोगों के खिलाफ ये अपील है जो पंजाब में जिनको ये रिलीफ दिया गया है। आपको चाहिए था उसी वक्त हदायत जारी करते कि खैबर पख्तूनख्वा में भी ये स्कीम दी जाए, लेकिन नहीं, मकसद अवाम को रिलीफ देना नहीं है। ये ज़रूरी बात थी जो आपको बतानी थी, इसकी तमाम तफसील भी डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है, इसकी तमाम तफसील फाइनेंस बिल का हिस्सा है और ये तमाम मुख्तस शुदा फंड उस फाइनेंस बजट का भी हिस्सा है जो तमाम पंजाब गवर्नमेंट अपने अखराजात से अगस्त के अंदर अदायगी करेगी इस रिलीफ के अगेंस्ट। ये 100 बिलियन का रिलीफ का सब्सिडी का पैकेज है जो रिलीफ दिया जा रहा है 100 यूनिट पे करने का। ये ज्यादती अवाम के साथ ना करें, ये अवाम के खिलाफ, उनके रिलीफ के खिलाफ ये अपील ना करें। अवाम आ गई आपकी जो नलायकी है, चोरी है, डाका है, उसकी महंगाई की चक्की में पिस रही है, जिसको हर रोज सही सिमत की तरफ हम लेकर जा रहे हैं उस मईशत को। ये इनकी असलियत है, ये इनका माइंडसेट है, ये इनका रवैया है और ये इनकी पॉलिसी थी 4 साल। इलेक्शन कमीशन में ये अपील तो लेके जाते हैं कि 5,50,00,000 लोगों को महरूम कर दें, 87,00,000 लोगों खानदानों को महरूम कर दें इस रिलीफ से। उधर ही अपील लेके जाते हैं कि फॉरेन फंडिंग का फैसला करें, जहाँ आपकी चोरी, आपका डाका जो है फॉरेन फंडिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग जो है आपकी, वो साबित कर दी है स्टेट बैंक ने। वो पहला भी पर्चा लेकर जाते ना, वो अपील भी लेकर जाते, लेकिन क्योंकि मकसद ये नहीं है, मकसद सिर्फ अवाम दुश्मनी है, मकसद सिर्फ अवाम का खून निचोड़ना है। लेकिन अब वो दिन चले गए जब आपके पास ये इख्तियार था, जब आपके पास वो इक्तदार था जिसको इस्तेमाल करके आपने अवाम का खून चूसा। और पंजाब की हकूमत के साथ ये बदला आप ले रहे हैं क्योंकि पंजाब की, पाकिस्तान की, वफाक की तमाम इकाइयों के लोगों ने आपको मुस्तरद कर दिया है। इसलिए 10,00,000 लोगों का मजमा इकट्ठा करने का दावा 10,000 के ऊपर आ गया है। बहुत मेहरबानी। बिल्कुल जी, मैंने पहले वजाहत कर दी है कि ये किसी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं है, ये किसी महीने पर मुख्तस नहीं है, ये पूरा एक रिलीफ पैकेज है जो 100 यूनिट के बिजली इस्तेमाल करने के सार्फीन गरीब लोग हैं, ये उनके लिए रिलीफ पंजाब हुकूमत ने दिया है। और इन तमाम रिलीफ का जो मुख्तस शुदा फ़ंड है वो फाइनेंस बिल का हिस्सा है और यही वो वजह है जिसकी वजह से पंजाब में बजट पेश नहीं करने दे रहे थे ये लोग, क्योंकि ये अवाम को रिलीफ ना मिल जाए, ताखीर पे ताखीर कराने की कोशिश कर रहे थे कि ये अवाम को रिलीफ ना मिल जाए इस बजट स्कीम के अंदर, क्योंकि ख़ुद तो दे ना सके। ये भी अल्लाह ताला का रहम होता है, अल्लाह ताला का करम होता है किसी के ऊपर कि उनके हाथों से अवाम को रिलीफ मिल सके, लेकिन झूठों से, चोरों से, नालायकों से, नाअहलों के हाथ में अल्लाह ताला ये तौफीक भी नहीं देता, बल्कि तौफीक ये देता है कि इलेक्शन कमीशन जाओ और 5,00,00,000 लोगों को ये इनकी असल रवैया ये है, इनको अल्लाह ताला भी हदायत दे कि अवाम के साथ ये दुश्मनी ना करें, अवाम के साथ, गरीब अवाम के साथ ये खिलवाड़ ना करें अपनी सियासत को चमकाने के लिए। पहली बात तो ये है कि वफाक
पंजाब वफाक का हिस्सा है और वफाक की इकाई है, और आपने देखा होगा कि तमाम जो चीज़ें हैं इनके जो तर्जुमान उधारे के रह गए हैं अब दो तीन, वो अब ज़ातियात पर उतर आए हैं क्योंकि उनके पास असल मौक़िफ़ बयान करने के लिए कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान का मसला है और हम किसी तरह भी आवाम के हक पर डाका डालने नहीं देंगे। दूसरा, आपने कहा कमेटी बनी, वो बिल्कुल कमेटी अपना काम कर रही है और जैसे पहले हकायक आवाम के सामने रखे गए हैं इसी तरह उस कमेटी की जो भी फैसले होंगे वो काबीना के बाद आवाम के सामने रखे जाएंगे। तीसरा, पैमरा का आपने कहा है, बिल्कुल पैमरा की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द तानियाती भी हो जाएगी। बहुत जल्द हो जाएगा जी। मैडम, कल साहब एक्सप्रेस कल जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था उसमें क्या तमाम बातों ने इत्तफाक राय लिया जो ब्रीफिंग की गई, और क्या तमाम लोग जो है उस मीटिंग से सेटिस्फाइड थे, खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े पश्चात थे अफगानिस्तान के टास्क के ऊपर, क्या वो भी इस तमाम ब्रीफिंग से राजी हो गए आप? जी, आपने देखा होगा कि एक प्रेस रिलीज़ नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट्री कमेटी के बाद एक रिलीज़ हुई थी एलानिया, और उसके अंदर तमाम जमातों ने उसको साइन ऑफ किया था और तमाम जमातों का पार्लियामान का जो मुत्तफ़िका फ़ैसला था वो कल रिलीज़ भी हो गया, और वो तमाम तफसीलात भी जो थी वो उसमें मौजूद हैं और कंसेंसस के साथ तमाम जमातों की कंसेंसस और तमाम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पोलिटिकल पार्टीज़ इन द पार्लियामेंट की कंसेंसस के साथ वो डिक्लेरेशन आई है। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने बैरूनी साजिश के झूठे बयानियों को फैलाया, गुज़श्ता हुकूमत में अफसरान की ट्रांसफर के लिए पैसे लिए जाते रहे, साबिका दौर में आवाम से घरों और नौकरियों के झूठे वादे किए गए, नयाज़ी हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त कैंसर अदवियात की फराहमी को भी बंद कर दिया। इसके अलावा उनका कहना था कि नयाज़ी और उसका टोला 5,50,00,000 अफराद को रिलीफ से महरूम करना चाहता है। वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। जनाज़ीन, प्रोग्राम में दोबारा से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बात कुछ कर लेते हैं मौसम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर, इस्लामाबाद, बलाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिश के बायस कश्मीर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सरगोधा, लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट में नशीली इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा है। इस दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कश्मीर, खुजदार, कल्लात, लसबेला, नसीराबाद, गवादर, पंजगूर, तुरबत, अवरान, बारखान, बोलान और कोहलू के मकामी नदी नालों में तोहयानी का भी अंदेशा है। बारिशों का सिलसिला जारी है, एडवाइजरीज जारी की गई हैं एनडीएमए की जानिब से भी, और तमाम जो इदारे हैं वो अलर्ट हैं, इसलिए ज़रूरी है कि दफ़ा 144 का जहां जहां पर नफाज है लोग नशीबी इलाकों के करीब ना जाएं, और जो भी ट्रिप्स हैं वेदर फोरकास्ट देखने के बाद उनको प्लान करें। इसके साथ ही News@6 शो का वक्त ख़त्म हुआ। सलमा कौसर और रिजवान रौनक अपनी पूरी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे इजाज़त चाहते हैं, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह नेगेबान।